सब्जेक्टिव शीट नंबर 45 की होमवर्क दी थी, इसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः क्वेश्चन या 7 तक शायद कर लिए थे। यहाँ से शुरू करना है 8 से, तो 8 क्वेश्चन में डाउट, तो कितनों से हो गया, ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, 9 में क्या निकालना है इसके अंदर, फाइंड दी फिगर ऑफ मेरिट। तो जिन्होंने नहीं किया, रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक आर है और एक जी है और अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। अब देखो ये कैसे पता लगता है तुम्हें ये शंट है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ रहा है ये शंट है कि नहीं, कनेक्टेड इन सीरीज। एक दूसरा, शंट की वैल्यू लो होती है, ये तो 100 से भी ऊपर टप गई, लो कहाँ से आई है, गैल्वेनोमीटर 100 का, शंट बहुत छोटी है, उल्टा शंट यहाँ बड़ी हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ऊपर से वो कह रहे हैं वोल्टेज 1 वोल्ट है, वोल्टेज 1 वोल्ट का मतलब ये एमीटर बना ही नहीं रहा, ये बना ही वोल्ट मीटर रहा है, तो इसका मतलब ये वोल्ट मीटर बन रहा है। तो वोल्ट मीटर के फॉर्मूले से आर पुट करके, जी पुट करके, वी पुट करके आई जी आ जाएगा, और आई जी आ गया, नंबर ऑफ डिविजन्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 100, तो आप करंट डिवाइडेड बाई आई जी डिवाइडेड बाई 100 डिविजन्स कर लेना, तो एम्पियर पर डिवीजन में आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, तो समझ में आ रहे हैं क्या लॉजिक है इसका। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 इसको करेंगे एक बार, कितनों का हो गया वैसे ये, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ये नया क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर हैज सेंसिटिविटी ऑफ 60 डिवीजन पर एम्पियर, तो मतलब 60 डिवीजन में ना 1 एम्पियर करंट है। आगे व्हाट शंट इज टू बी यूज्ड, अगर सेंसिटिविटी बिकम्स 10 डिवीजन पर एम्पियर। अब ऐसा क्वेश्चन तो हमने नहीं किया हुआ कि पहले ये सेंसिटिविटी अब ये सेंसिटिविटी है, पर इतना मैं जानता हूं कि सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी होती क्या है, जो करंट सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कितना करंट अपॉन कितनी डिफ्लेक्शन, कितनी डिवीजन है, ये करंट सेंसिटिविटी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि करंट सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई, सही है, तो करंट सेंसिटिविटी आई के प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ डिवीजन तो गैल्वेनोमीटर की सेम ही रहेगी दोनों केस में। तो इस केस में करंट सेंसिटिविटी वो कह रहे हैं पहले 60 थी, तो 60 डिवीजन पर एम्पियर है, उल्टा के बनाइए, डिवीजन पर एम्पियर बेसिकली करंट सेंसिटिविटी नहीं है, डिवीजन पर एम्पियर रादर मुझे ऐसे लिखना चाहिए, जो करंट सेंसिटिविटी है, जो करंट सेंसिटिविटी है वो आई के प्रोपोर्शनल है, राइट, वो प्रोपोर्शनल टू, सीधा लिख देता हूँ, वो आई के प्रोपोर्शनल है, लेकिन करंट सेंसिटिविटी का उल्टा क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट, आपको याद होगा फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट आई जी बाई जी है और करंट सेंसिटिविटी क्या है, अल्फा डिवाइडेड बाय आई है, उल्टा होता है। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, चलो जो यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी है वो अल्फा डिवाइडेड बाय आई है, तो करंट सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है, ऐसे लिखना चाहिए, डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है ये लिखना चाहिए। अब मैं ये क्यों इस तरीके की बातें कर रहा हूँ कि करंट सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है, क्योंकि पहले करंट सेंसिटिविटी कितनी है, 60 है, तो जब करंट सेंसिटिविटी या डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर एम्पियर अल्फा बाय आई की वैल्यू 60 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ करंट होगा मीटर में, और जब 10 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ करंट होगा। अब मुझे ये पता है कि जब करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उसमें करंट कम होगा, और जब करंट सेंसिटिविटी कम हो गई आफ्टर अप्लाइंग शंट तो आई की वैल्यू उसमें ज़्यादा हो गई। अब आप 2 मिनट ये समझें, करंट कम से ज़्यादा हो गया, कम करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई जी, और ज़्यादा करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई, सही है यहाँ तक। कम करंट जो है, अगर करंट कम है तो हम बोलते हैं आई जी, और अगर ज़्यादा है तो आई, सही है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब करंट सेंसिटिविटी 10 हो गई, शंट लगाने के बाद 10 हो गई, शंट के बिना क्या थी, 60 थी, पहले करंट सेंसिटिविटी 60 थी, अब कितनी हो गई, 10 हो गई, तो जब 60 थी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट आ रहा था वो मेरा आई था, और जब 10 हो गई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट मेरा कितना है, आई जी। या ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये शॉर्टकट नहीं कोई बात नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो कि करंट सेंसिटिविटी पहले कितनी है, 60 है, राइट, 60 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या पुट करूंगा, आई जी, ये मत करो, ये मैंने
कुछ अलग किया या से ऐसे कर लो, तो जो करंट सेंसिटिविटी है मैं बोल रहा हूँ वो कैसे होगी, आई जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 60 है, ऐसे ही बनता है। और दूसरे केस में करंट सेंसिटिविटी 40 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसका आंसर वेरीफाई करके बताना जरा मेरे को एक बार। तो अगर मैं यहाँ से इसे डिवाइड करूँ, देखो उसका उल्टा कर रहा हूँ मैं एक मिनट के लिए, और मैं प्रूफ करूँगा कि ऐसा क्यों किया मैंने एक मिनट। तो ये जब मैं डिवाइड करूँगा तो आई जी बाई आई की रेशो आ जाएगी, आई जी बाई आई की रेशो आ जाएगी, आप चेक कर लो। तो आई जी इन टर्म्स ऑफ आई आ जाएगा, तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा 60 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 60 आई डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई कितना, आई जी। तो यहां से आई जी की वैल्यू क्या जाएगी, 10 बाय 60 इंटू आई, या आई जी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 6। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये नोट करो, ये नहीं, ये सही नहीं है, ये नोट करो। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, हालांकि मैंने आंसर शॉर्टकट में ठीक निकाल दिया, पर अदरवाइज ये होना चाहिए, राइट। क्लियर है, तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि करंट सेंसिटिविटी है जो वो पहले 60 ज़्यादा थी, उल्टा कम हो गई, करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा से कम हो गई शंट लगाने पे, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू कम से ज़्यादा हो गई। और वैसे भी सही है ना, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना तो करंट तो कम से ज़्यादा हो गया, तो करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा से कम हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो पहला स्टेप क्लियर है, मैं करेक्शन कर दूंगा इसमें वैसे, तो ऐसा होना चाहिए। तो आई जी की वैल्यू आई बाय 6 है, अब आंसर आ गया। फिर आपको शंट का फॉर्मूला तो पता ही है, आई जी इंटू जी बाई आई जी माइनस आई माइनस आई जी, शंट की वैल्यू में आई जी की जगह आई बाय 6 पुट कर दो, जी आपको पता है, आई आपको पता है, आई जी आपको पता है, सॉल्व करो, 4 ओम आंसर आ जाएगा। उसके बाद तो चलो फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। मेन स्टेप वो था कि दो करंट सेंसिटिविटी को हैंडल कैसे करना है, ये समझ में आ रहा है? तो आपने ये फॉर्मूला सबसे पहले लगाना है, फिर आंसर आएगा, ठीक है यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये आसान है, शंट पता है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी पता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में आई जी करंट जा रहा है, आई जी अपॉन आई की रेशियो निकालनी है, शंट का फॉर्मूला लगाओ, शंट की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, सॉल्व कर लो, आई जी बाई की वैल्यू, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इट इज रिक्वायर्ड टू पास ओनली 1/10 ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मेन करंट तो पीछे से आए है, गैल्वेनोमीटर में कितना है, आई बाई 10 है, और जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 27, तो जी की वैल्यू कितनी है 27। कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पता है, और लेंथ पता है, और ये सब फैक्टर्स किसके पता है, शंट के पता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ बतानी है इस कॉरस्पॉन्डिंग शंट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो पहली बात आप एक काम करो, आपको आई जी आई बाई 10 पता है, आपको वहां से रेजिस्टेंस जी भी पता है, आप यहां से शंट का फॉर्मूला लगाएं, शंट के फॉर्मूले में आई जी को आई बाई 10 पुट करें, जी आपको पता है, आई जी की जगह आई बाई 10 पुट करें, तो यहां से सॉल्व करके पहले तो ऐसा आ जाएगा, शंट आ गया, शंट की वैल्यू फिर रो एल बाई ए लगा लें, आपको रो पता है, एरिया पता है, शंट पता है, लेंथ आ जाएगी आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कोई डाउट इसमें? सही है, जैसे ये क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज प्रेजेंट। तो गैल्वेनोमीटर का करंट आई जी की वैल्यू की बने, इट इज कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, मुझे एम मीटर में बनाना है, और रेंज कितना है उसका, आई, आई की वैल्यू है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर टू द रेजिस्टेंस ऑफ शंट। एम मीटर के रेजिस्टेंस में क्या होता है, एम मीटर में होता क्या है, जी और एस होता है, और वो पैरेलल में होते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एम मीटर की क्या होती है, जी एस बाई जी प्लस एस अपॉन शंट क्या है, एस, इनकी रेशियो निकालनी है। और शंट का फॉर्मूला आपको पता है, आपको आई जी पता है, आपको आई पता है, तो शंट इन टर्म्स ऑफ जी आ गई, उस एस को यहाँ पे पुट कर देंगे, जी बाई 9 जी बाई 9 जी बाई 9 आंसर, तो रेशियो आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे गैल्वेनोमीटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें? जैसे इस क्वेश्चन को देखें, डिफरेंट है, क्वेश्चन है,
गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, क्या गिवन है जी? इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, क्या गिवन है आई जी? इट इज टू बी कन्वर्टेड इन टू एमीटर ऑफ रेंज 5 एम्पियर, तो क्या गिवन है आई? ओनली शंट रेजिस्टेंस अवेलेबल इज 0.02, तो शंट भी पता है लेकिन वो ये कह रहा है विच इज नॉट सुटेबल फॉर कन्वर्जन, शंट छोटी है मेरे को शंट एमीटर नहीं बना पाएगी, तो उसके लिए क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर टू गेट एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज. अब यहां ना कंफ्यूजन हो जाती है, मेरे से भी हो गई, मैंने पहली बार किया था तो मैंने इसको करेक्ट किया. मैंने फ्लो में पढ़ लिया शंट सफिशियंट नहीं है, आर की वैल्यू बताओ क्या होगी ताकि एमीटर बन जाए, तो मैंने शंट के साथ पहले आर सीरीज में लगा दिया एस प्लस आर. ये कॉमन मिस्टेक है, जितने लोगों को ये करने को दोपहर को भी दिया उन्होंने यही किया एस प्लस आर, उन्होंने शंट सफिशियंट नहीं पहले शंट को पूरा कर दो, लेकिन उसने क्या कहा फिर अंडरलाइन बाद में किया, दोबारा स्कैन किया मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ आर लगाया, फिर मैंने डायग्राम भी अलग से बनाया तो याद आ जाए यहाँ पर जी के साथ आर पैरेलल में लगाना है शंट को नहीं छेड़ना. फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों शंट की तो वैसी लो वैल्यू है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 8 है और शंट की वैल्यू कितनी है 0.02 है, शंट को तो लो रखते हैं और उल्टा मैं शंट के साथ आर लगाने चला गया, उसकी वैल्यू को बढ़ाने चला गया जो कि रूल ही नहीं है, तो जी के साथ ही लगाना था. तो ये ध्यान से पढ़ लेना कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस किसके साथ लगेगी, यहाँ पर जी के साथ लगेगी. अब यानी कि शंट का फॉर्मूला जो भी था आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी में जी में जी प्लस क्या कर देना है आर, जी प्लस आर अब सॉल्व हो जाएगा. आपको आर निकालना है, शंट पता है, आई जी पता है, आई पता है, आई जी पता है, आर की वैल्यू आंसर आ जाएगा. तो एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या इसमें चेंज करना पड़ेगा अपने को, जी के साथ आर लगाना है, शंट के साथ आर नहीं लगाना है इसमें, कोई डाउट? ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट है डायग्राम मिसिंग है अगले क्वेश्चन में, ये डायग्राम लिख लें बना लें, ये डायग्राम बनाए, ये गिवन होगा बना लें न्यूमेरिकल में. तो इसके अंदर क्वेश्चन है, एक सर्किट है और इट इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ आर, तो आपको आर की वैल्यू इसमें निकालनी है. आपको गिवन क्या है, एक वोल्ट मीटर गिवन है, एक एम मीटर गिवन है. आपको इस क्वेश्चन में एम मीटर की रेजिस्टेंस पता है, आपको इस क्वेश्चन में एम मीटर का करंट भी पता है, आपको वोल्ट मीटर की वोल्टेज पता है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस भी पता है, ये चारों वैल्यू से आपको आर निकालना है. पहला रूल, वोल्ट मीटर का V पता है, R पता है, तो वोल्ट मीटर का करंट आ जाएगा. वोल्ट मीटर का करंट आ गया, अब यहां से जो करंट है, यहां से जो करंट आता होगा वो ऐड होकर इसमें जाएगा, तो इस ब्रांच में क्या करंट होगा, इस टोटल करंट में से इस करंट को क्या कर देना है माइनस, तो मैंने माइनस कर दिया, माइनस करके इसका करंट आ गया, इसका करंट आ गया. वोल्टेज ये पैरेलल में है तो 117 वोल्ट ही लेगा, तो वी 117 है, करंट पॉइंट 117 है, सॉल्व करके ओम लॉ से आर की वैल्यू आ गई. क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की, ये बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इसमें वोल्ट मीटर एमीटर का वर्किंग का कोई लेना देना नहीं है इसका. तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे टोटल करंट में से इस करंट को माइनस करके ये करंट आ गया और इस करंट और वी की वैल्यू से आर की वैल्यू आ गई. ठीक, उसी तरीके से ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमने किया नहीं तो मैं चाहता हूँ एक बार इसको आप पढ़ लें प्लीज. कितने लोगों से हो गया वैसे ये, क्वेश्चन है
स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 150 इक्वल डिवीजन, पूरा स्केल 150 इक्वल डिवीजन्स का है। द गैल्वेनोमीटर हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी उसने दे दी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी भी दे दी। जब भी ये इकट्ठी दी जाएंगी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, पहला स्टेप एक ही होगा। आप ध्यान से देखें, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में याद करें एक ही फर्क था, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का। ये देखो, करंट सेंसिटिविटी क्या थी, एन बी ए बाई के, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या थी, एन बी ए बाई के जी, जी एक्स्ट्रा था, डिवाइड किया जी आ गया। तो एक फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री कर लें कि करंट सेंसिटिविटी बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको क्या देगा, इसमें जी देगा, ये याद रखें। तो कभी भी करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी इकट्ठी की बनो, आप डिवाइड करके पहले जी निकालें, उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक। तो करंट सेंसिटिविटी बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशियो आपको गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस देगी। ठीक, तो पहली लाइन का तो ये मतलब हो गया। आगे तो अब वो कह रहे हैं कि बताओ गैल्वेनोमीटर को कैसे डिज़ाइन करें। डिज़ाइन करने का मतलब शंट लगाएं या आर सीरीज में लगाएं, ताकि वो क्या रीड करे, 6 डिवीजन 6 एम्पियर पर डिवीजन, एक डिवीजन में 6 एम्पियर करंट मेजर कर ले। अब हमें पता है कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें टोटल कितना है, 150 है, और हम अपना न्यूमेरिकल फुल स्केल में काम करते हैं। फुल स्केल का मतलब टोटल करंट की वैल्यू मेजर करते हैं। तो मुझे ये बताओ आप क्या चाहते हो, कि एक डिवीजन में 6 एम्पियर मेजर करे, 150 में कितना करंट मेजर करे, एक डिवीजन में 6 एम्पियर है, 150 में 6 और 150 को मल्टीप्लाई करके 900 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना मेजर करवाना है, 900 एम्पियर मेजर करवाना है। कोई डाउट इसमें, तो पहला स्टेप क्लियर है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करके आपको टोटल करंट निकालना पड़ेगा, यानी कि आप बहुत बड़ा करंट मेजर करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप एमीटर बनाना चाह रहे हैं, और एमीटर बनाने के लिए आपको शंट लगानी पड़ती है, तो इसका मतलब शंट लगानी पड़ेगी। पर शंट निकालने से पहले आपको ना आईजी निकालना पड़ता है, शंट में आईजी चाहिए, और आपको कहीं भी आईजी गिवन नहीं है। तो आईजी निकालने के लिए काम करना पड़ेगा आपको, इसमें आईजी कभी भी निकालना हो करंट सेंसिटिविटी को पकड़ लेना, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी आपको करंट बताता है। कैसे बताता है, 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर करंट है, एक डिवीजन बाय 10 मिली एम्पियर करंट है, 150 डिवीजन है टोटल, तो टोटल करंट क्या होगा इतना। अब ये है आईजी, समझ में आ रहा है, करंट सेंसिटिविटी की ये जो वैल्यू थी इससे आप आईजी कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी आपको हमेशा हेल्प करेगी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आईजी। ये स्टेप क्लियर है, तो आपने क्या निकाल लिया, आईजी की वैल्यू निकाल लेनी है। कोई डाउट इसमें, तो अब आईजी आ गया आपके पास, टोटल करंट मेजर 900 एम्पियर निकालना है आपने, तो क्या लगानी पड़ेगी, शंट। तो शंट के फॉर्मूले में आईजी पता है, आई पता है, जी पता है आंसर। और फिर वैसे ही वो क्या कह रहा है दूसरे पार्ट में, अब मुझे एक और मीटर डिजाइन करके दो जो 1 वोल्ट पर डिवीजन मेजर करे, यानी कि 1 डिवीजन में कितने वोल्ट हैं, 1, और 150 डिवीजन में कितने वोल्ट हैं, 150, यानी कि हम अपने को एक बड़ा वोल्ट मीटर बनाना पड़ेगा जो टोटल 150 वोल्ट मेजर करे। तो V पता है, अपने को R निकालना पड़ेगा सीरीज में, तो R का फॉर्मूला V बाय आई जी माइनस जी, V पता है, आई जी पता है, जी पता है आंसर। तो एक में शंट लगानी पड़ेगी, एक में रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक रूल क्या है, तो सेंसिटिविटीज कैसे काम करती हैं, समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो इसमें ये अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें काफ़ी इकट्ठी चल रही है, पहले जी निकाला, फिर सेंसिटिविटी से आई जी निकाला, फिर टोटल मीटर की रीडिंग से, डिवीजन से, टोटल आई जो मेजर करना है, टोटल वी जो मेजर करना है वो भी निकाला, तब आंसर आएगा। इसमें फिगर ऐसी बनेगी, आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंस कॉइल ऑफ 100 ओम एंड 200 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज 100 और 200 एरा अक्रॉस 100 वोल्ट लगा दिया। अ मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं, वोल्ट वो ठीक है, मूविंग कॉइल से बना हुआ वोल्ट मीटर है, वो एक एक करके कनेक्टेड इन टर्न, पहले इस पे लगाया,
और फिर इस पे लगाया और इसकी रेजिस्टेंस 200 200 है। आपको ये बताना है कि इसमें वी ने क्या मेजर किया। ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। पहले तुम क्या करोगे, 200 और 100 को किस में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में 66.66। फिर आप टोटल करंट निकालोगे, 100 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 66.66 करंट आएगा। फिर करंट टोटल आ गया इसमें, तो आई इंटू 200 कर लो, जो भी करंट आया इसको 200 से मल्टीप्लाई करो, 75 आएगा। यानी कि इसमें कितने वोल्ट हैं, 75 है, और टोटल कितने हैं, 100 हैं, तो इसमें कितने हैं, 25 है, और ये पैरेलल में है तो इसमें भी कितने हैं, 25 है। ठीक हो गया। तो टोटल करंट से पहले इसमें वी निकाल लिया आई इंटू आर, फिर माइनस करके 100 में से वो आंसर आ गया। उल्टा भी कर सकते थे, एक ही बात है। इसके अंदर ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो ये आएगा 100। फिर आप टोटल करंट निकाल लेना, टोटल करंट आएगा इसमें हाफ, फिर आई इन टू 100 लगा लेना आई इन टू आर, तो आएगा 50। यही तो निकालना है, ये 50 है तो फिर ये भी कितना है, 85 है आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इसमें गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर का कोई लेना देना नहीं है।